और जो ब्रिटिश सरकार द्वारा तुरंत दबा दिए जाते थे। और उत्तरी बंगाल के दीनपुर और रंगपुर जिले में मालगुजारी पर भारी कर बांध दिया गया था और उसे बड़ी कठोरता के साथ वसूल किया गया। परिणाम स्वरूप 1883 में कृषक आंदोलन खुलकर फूट पड़ा, जिसे रोकने के लिए प्रबल बल प्रयोग किया गया। सन 1889 में पश्चिम बंगाल में राजाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया, वहां के कृषकों ने खुद का हृदय से इसमें सहयोग किया। आपने एक शुरू का वर्ड बता दें, बंगाल में यथार्थ में प्रथम किसान विद्रोह, प्रथम बंगाल में यथार्थ में प्रथम संगठित किसान विद्रोह 1858 से 1860 में तक हुआ, जब लीग के खेतिहर बागान मालिकों के विरुद्ध खड़े। बागान मालिक कानूनों के खिलाफ कार्य करते थे। उन्होंने स्थानीय लोगों को बैला फुसलाकर नील की खेती में लगा दिया और इसके लिए वो किसानों को अग्रिम धन भी देते थे। जो किसान अग्रिम धन दिया करता था वो बागान मालिक को और उसपे मन चाहा अत्याचार करते थे। जब इसके बारे में इसके पश्चात किसानों ने नील की खेती के लिए पेशगी लेना बंद कर दिया और बागान मालिकों के घरों और दफ्तरों पर हमला कर दिया। सन 1860 में यह आंदोलन और अधिक व्यापक हो गया। कारण यह था कि 1859 में रेंट अधिनियम के विरुद्ध लोगों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया, उसी के कारण यह आंदोलन और अधिक व्यापक हो गया।